एक ड्रेस कोड लागू करने जा रही है। इसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि हरियाणा के सभी सरकारी अस्पतालों में अब सभी स्टाफ के लिए ड्रेस कोड लागू होगा, जिसके लिए बाकायदा डिजाइनर से यूनिफॉर्म डिजाइन तक करवाई गई है। विज ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले विभाग के साथ एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कहा गया था कि अस्पताल में सभी कर्मचारियों को अपनी यूनिफॉर्म पहननी चाहिए, इसी के चलते यह फैसला लिया गया है। इसके साथ ही विज ने रणदीप सुरजेवाला को लेकर भी निशाना साधा है। सुरजेवाला ने हाल ही में कहा था कि संसद में पीएम मोदी राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। इस पर जवाब देते हुए विज ने कहा कि राहुल गांधी बेतुके सवाल करते हैं और जरूरी नहीं कि उनके हर सवाल का प्रधानमंत्री जवाब देते रहें। मीटिंग हुई थी और उसमें ये कहा था कि हर कर्मचारी को अपनी यूनिफॉर्म डालनी चाहिए अस्पताल में। अब आप प्राइवेट अस्पताल में जाओ तो एक भी आदमी बिना यूनिफॉर्म के नहीं मिलता। यहाँ पता ही नहीं लगता कि कौन पेशेंट है और कौन कर्मचारी है। इसलिए इससे वर्किंग में बहुत सुधार आएगा और अस्पतालों का जो गेटअप है वो भी अच्छा हो। सबके लिए कंपलसरी कर दिया, हर लेवल तक कंपलसरी कर दिया और हमने डिजाइनर से सबकी यूनिफॉर्में डिजाइन करवाई हैं कैटेगरी वाइज, तो सबको यूनिफॉर्म डालना अनिवार्य है। तो अस्पतालों में ड्रेस कोड का सरकार ने फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले पर आयुष विश्वविद्यालय के एपीआरओ मनोज कुमार ने इसे सरकार का सराहनीय कदम बताया है। उन्होंने कहा कि अक्सर मरीजों को अस्पताल के स्टाफ की पहचान नहीं हो पाती कि स्टाफ का कौन सा शख्स किस पद पर तैनात है, और ऐसे में कई बार देखा गया है कि अस्पताल स्टाफ और मरीजों के बीच बहस हो जाती है। सरकार के इस फैसले के बाद एक गरिमा बनी रहेगी और अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों को किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। वहीं डॉक्टर दीप्ति पराशर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये फैसला स्वागत योग्य है। ये फैसला स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स के लिए पहले से ही वैसे ड्रेस कोड तैयार है और इस नए फैसले से भी अस्पताल में अनुशासन बना रहेगा। एक तो जो भी मरीज अस्पताल के अंदर आता है उसको डॉक्टर से पहले से परिचित होगा, क्योंकि ड्रेस कोड से व्यक्ति जान जाता है कि ये डॉक्टर है या कंपाउंडर है या उसका सहायक है। तो इससे डॉक्टर की भी मर्यादा बने रहेगी, मरीजों की भी मर्यादा बनेगी। तो निश्चित रूप से ये जो सरकार का कदम है आने वाले समय में इसके बहुत ही बेहतर परिणाम निकल कर सामने आए।